तो अगर हम 5 मिनट की कैंडल भी चेक करें तो इसमें आप देखो ये इसने यहाँ पे एक अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एज यूजुअल मेरी नींद खुली जाती है 9 बजे के आसपास। बॉडी क्लॉक ही मेरी ऐसी हो गई है। सो व्हाट आई डिड, 9 बजे उठने के बाद मैंने मार्केट चेक किया। मैंने देखा मार्केट में मोमेंटम तो है ही नहीं, निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी में नहीं है। मेरा मूड नहीं हुआ मार्केट देखने का, क्योंकि मूड ही मतलब मार्केट में मोमेंटम ही था। एंड उसके बाद ब्रश वश करके अपना मस्त, दूध नहीं था वैसे इतना इतना, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी बनाते। तो कॉफ़ी वॉफी पी बढ़िया, क्या करेंगे अब बैठ के, मार्केट मोमेंटम तो है नहीं। तो एक काम, भूख लग रही है तो अपन खाएंगे छोले कुलचे मस्त, मार्केट तो मूव कर नहीं रही है तो अपन खा ही ले मस्त ना, चिल मारते हैं आज पूरे दिन, कुछ नहीं होगा आज पूरे दिन। नहीं आया मेरे पास मेरा लैपटॉप ठीक कराने करने बेसिकली, बट कुछ हो नहीं रहा है, ये लेके जाएंगे। तो भाई कुछ कहना चाह रहे थे क्या सर? मुझे ट्रेडिंग एक्चुअली सीखनी थी, तो कुछ टिप्स वगैरह दे दीजिएगा। तो भाई ने मेरे से ऐसी लैपटॉप ठीक करते करते टिप्स मांगी। यस सर। और फिर मैंने बोला यार टिप्स मैं क्या दूँ टिप्स नहीं दे सकते ऐसे ना। तो सर कहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मुझे बताया जाए कि आप यहाँ से शुरू करो ताकि आपको आगे जाके हेल्प हो, और या आप इस तरीके से सक्सेस हो सकते हो। ट्रेडिंग के मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बट यही चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे पता चले कि ट्रेडिंग क्या है एक्चुअल में, और किस तरीके से हम इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लाभ का इंटरेस्ट है इसमें? या ओके ठीक है, हम बात करते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप जो भी काम कर रहे हो उस वक्त आप उससे ऊपर उठ के और कुछ अलग करना चाहते हो ज़िंदगी में, यस तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम बात करते हैं, मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं आपको एंड डिस्कस करूँगा एंड देन हम करते हैं इस पर बात, ठीक है भाई? तो गाइस जैसे मैंने बोला था कि बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा अदानी में आपको मूवमेंट दिख भी रहा है, रीटेस्ट करके ऊपर गए, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वाइल। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स, द सेलिंग बाइंग लेवल्स, बेसिकली कुछ नहीं है। मैं अपना SL और बेसिकली यू नो TSL ऊपर नीचे कर दूंगा, अलर्ट लगा दूंगा। सो देखेंगे प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है। एक तो लाइक 50% से थोड़ा नीचे ऑफ द कैंडल, क्योंकि अगर ये 50% कैंडल खा जाएगा तो इसका मतलब प्योर यही है कि भाई सेलर्स आ गए, बायर्स वीक हो गए। तो लेट्स सी, आई विल अपडेट यू। और गाइज अगर हम ये देखें कि यहाँ पे सेलिंग बाइंग में क्या डिफरेंस है, तो आप देखो कितना हैवी डिफरेंस है, बाइंग ज़्यादा है सेलिंग कम है। सो तो गाइज मैंने अपना बेसिकली स्टॉप लॉस लगा दिया है 3291 पे, ठीक है? यू विल सी दिस 3291 ट्रिगर पेंडिंग। आई होप ये ट्रिगर ना हो, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा सबको पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप ये ट्रिगर ना हो, क्योंकि कंडीशंस तो मुझे यही कहने की नहीं होना चाहिए, बट यू नेवर नो मार्केट कब डंप हो जाए। तो मैं अपना सेफ एग्जिट करने वाला हूँ 3291 पे, प्रॉफिट बुक करके बढ़िया 2% के आसपास, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा बंद, ठीक है गाइस? जैसे मैंने कहा था कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 2391 में। देखो मार्केट ब्रेकआउट के बाद डंप भी होती है एंड अपना प्रॉफिट बुक करना इसलिए ज़रूरी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने बढ़िया 2.5% प्रॉफिट बना लिया है। तो कोई बेसिकली अपने फंड्स भी फ्री हो गए हैं, कल इसमें और आ जाएंगे क्योंकि अभी यूज मार्जिन और उसमें अंतर होता है, ठीक है? तो गाइज जैसे कि अदानी में मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ पूरा। अगर आप ध्यान से देखो अदानी को, तो ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है? एक रेंज है जो कि ये ब्रेक बेसिकली ऊपर का नेक लाइन है, आप जो देखोगे ऊपर पिंक कलर का जो मैंने जोन बना रखा है, नेक लाइन है। अब यहाँ पे इस कैंडल से इसने यहाँ पे उसको ब्रेकआउट दिया था बहुत बढ़िया, ठीक है? मोस्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो आपका वैसे भी ट्रैप ही होता है, ये एक्सपीरियंस से पता चलेगा आपको। तो इट वाज लाइक यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू पे आके रिवर्सल ले सकता था, लेकिन इसने क्या किया, नीचे का मोमेंटम ही दिया है। तो हमने क्या किया था बेसिकली, आप देखो यहाँ से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, आ रही आ रही है, तो यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ठीक है? एंड देन मार्केट ऊपर गया है। अब मुझे स्टॉप लॉस मैंने समथिंग लगाया था यहाँ पे दिस 3291 के आसपास, और उसका लॉजिक बताऊँगा। मैंने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है? ये रहा SL
यहाँ पे रीज़न बताऊँगा 50% का कैंडल हमारा, ठीक है। अगर बेसिकली यहाँ भी बुक कर सकते थे प्रॉफिट, लेकिन द थिंग इज़ कि मेरा ये सिंपल सा लॉजिक था कि भाई अगर ये 15 मिनट्स की कैंडल है जो ब्रेकआउट कैंडल जा रही है, अगर मार्केट इसके 50% को या फिर बेसिकली इसके 60% को भी खा लेती है, तो उसका मतलब बायर्स वीक हैं एंड ये ट्रैप है। तो अपना जो ऐसा लोगा वो यहाँ का ही 60% के नीचे लगा दिया, जो कि 2391 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। तो अगर हम 5 मिनट की कैंडल भी चेक करें तो इसमें आप देखो ये इसने यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये देखो एक फेक ब्रेकआउट है यहाँ पे, सिंपल सी ये वाली कैंडल जो आपको ये दिख रही है, ये फेक ब्रेकआउट है एंड अगेन ये स्टॉप लॉस है। रीज़न भी अगेन वो 50% की कैंडल, अगर आप देखो कि उसको अगर इसने खा लिया है तो अगेन वो ट्रैप ही है। तो हमने यहाँ पे कहीं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। अब देखो मार्केट, मैंने जैसे बोला भी वीडियो में, सीधे डंप होएगी। देखो कितना बड़ा डंप हुआ मार्केट, अब ये देखो पूरा प्रॉफिट ख़त्म, अगेन यहीं से आके ये अपना सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अदानी ऑलमोस्ट मूव लाइक बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे बेसिकली पूरा मार्केट ही डंप हो गया है कितनी जल्दी, इसलिए गाइस प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है।